morning students. I hope you fit and fine at your home. In our last video we have done fourth chapter, the wind and the sun. Today we are doing book exercise related to that chapter. Now open B exercise. Tick the correct answer. What do the wind and the sun want to show each other? विंड और सन एक दूसरे को क्या दिखा रहे थे कि हु इज़ स्ट्रोंगर देन द अदर्स, कि कौन जो है एक उससे ज़्यादा स्ट्रोंग है. वाई डज़ द मैन रैप द कोट टाइटली अराउंड हिमसेल्फ, क्यों मैन जो है वो अपने कोट को टाइटली बांध लेता है, क्योंकि द विंड इज़ स्ट्रोंग, क्योंकि विंड बहुत तेज चल रही होती है. अब आपको ट्रू फॉल्स करने हैं. द विंड ब्लोज हार्ड विद द फ्रोन, यस. The man holds his coat tightly when the sun shines. Wrong. कब वो कोट को होल्ड कर लेता है टाइट? जब विंड स्ट्रांग होती है, सन शाइन करता है, तब तो वो कोट को उतार देता है. A smile is the strongest thing. Yes. The sun frowns and shines more brightly. No. The sun smiles and shines more brightly. तो ये रॉन्ग हो गया. ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे. Now, next page. नेक्स्ट पेज की ये हमारी एक्सरसाइज है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड. देखो बच्चों, जो भी हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं ना, उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं. ठीक है, वी ऑलरेडी नो वर्ब के बारे में, हम पहले से ही जानते हैं. ठीक है, यहाँ पे अब हमें वर्ब्स को भरना है. कैसे? देखो, वर्ब जो होती है प्रेजेंट टेंस में तब होती है तब हम उसके साथ एस ए आई एस लगाते हैं. एस ए आई एस हम तब लगाते हैं जब ही, शी और इट होता है, यानी सिंगुलर नाउन्स होती है. अगर ही है, शी है, इट है, सिंगुलर नाउन है. सिंगुलर नाउन का मतलब किसी एक के बारे में बात हो रही है, किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक पर्सन के बारे में, किसी एक थिंग के बारे में, तो हम उस वर्ब के साथ एस ए आई एस जोड़ देते हैं. लेकिन अगर हमारा जो नाउन है या हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो हम उसके साथ एस आई एस नहीं जोड़ते हैं. जैसे कि आई है, यू है, वी है, दे है, ये प्लूरल है, इसलिए हम इनके साथ एस आई एस नहीं जोड़ते हैं. आई को भी हम प्लूरल में काउंट करते हैं प्रेजेंट टेंस में, तो आई के साथ हम कभी भी एस आई एस नहीं जोड़ते हैं. यू को प्लूरल होता है, वी प्लूरल होता है, दे प्लूरल होता है, और ही, शी, इट या कोई भी नाम जो सिंगुलर है, थिंग, एनिमल का नेम सिंगुलर, उसके साथ हम एस ए आई एस जोड़ते हैं. जैसे कि आई है तो आई के साथ लाइक आएगा, लेकिन शी है तो शी के साथ लाइक्स आएगा. चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन चाइल्ड का प्लूरल है, इसलिए इसके साथ प्ले आया है. ही सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ एस ए आई एस आया है. यू को हम प्लूरल मानते हैं, इसलिए इसमें बिना एस ए आई एस की वर्ब आई है. शी सिंगुलर है, इसलिए इसमें एस ए आई एस आया है. अब आपको तो ये पता ही है कि किसके साथ एस लगाते हैं और किसके साथ ई एस लगाते हैं. ये मैंने आपको समझाया था, यदि किसी भी वर्ड के पीछे एस, एस एच, सी एच, एस या जेड होता है तो हम ई एस बनाते हैं, और अगर नहीं होता है तो हम एस बनाते हैं. ये हमने सिंगुलर प्लूरल वाले में समझा था. अब देखो, वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कहाँ यूज़ कर सकते हैं? थिंग्स और वर्क दैट वी डू डेली, जो काम हम डेली करते हैं, यानी हम अपने डेली रूटीन को प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं. जैसे कि आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ईट माई ब्रेकफास्ट. तो यहाँ पे आप जो भी अपना डेली रूटीन बताते हो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में. अब आई के अपना आप बोल रहे हो तो उसके साथ बिना एस ए आई एस की वर्ब आएगी. थिंग्स दैट टेक प्लेस डेली, जो चीज़ें हम डेली करते हैं. थिंग्स दैट आर ट्रू, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जैसे कि द सन शाइन्स ब्राइटली, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. द सन ऑलवेज राइज, ये सब क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो इनके साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है. अब आपको इसके अंदर ये वर्ब्स दे रखी हैं और आपको ये वर्ब पढ़नी है. तो कॉबलर जो है वो हमारे शूज़ को क्या करता है? मेंड करता है, यानी ठीक करता है. कॉबलर सिंगुलर है, एक ही कॉबलर की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? मेंड्स. वॉशरमैन है, वो हमारे कपड़ों को वॉश करता है, यानी धोता है. वॉशरमैन है, सिंगुलर की बात हो रही है, इसलिए हमने लिख दिया वॉशेज. आई गो टू स्कूल बाई बस, आई को हम प्लूरल मानते हैं इसलिए गो. पिकॉक सिंगुलर है, पिकॉक जो है वो रेन में डांस करता है, तो डांसेस. मदर कुक्स फूड, और द चाइल्ड ब्लोज द विसल लाउडली, जो बच्चा है वो विसल को बहुत तेज बजाता है. चाइल्ड जो है वो चिल्ड्रन का सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमेशा एस वाली वर्ब
आती है। आपको सबको समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें हैज़ या हैव का भरना है। हैज़ का भी यही है, सिंगुलर के साथ हैज़ आता है और प्लूरल के साथ हैव आता है, यानी आई वी यू दे के साथ हम हैव लगाएंगे और सिंगुलर पर्सन के साथ हम हैज़ लगाएंगे। जैसे कि माई फादर है, फादर सिंगुलर है इसलिए हैज़ आया है, आई प्लूरल है इसलिए हैव आया है, वी प्लूरल है इसलिए हैव आया है, हाउस सिंगुलर है इसलिए हैज़ आया है, मदर सिंगुलर है इसलिए हैज़ आया है। समझ आ रहा है? इसमें देखो लिखा हुआ भी है, वी यूज़ हैज़ व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग विद ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन वी यूज़ हैज़, एंड वी यूज़ हैव टू टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग विद आई यू वी एंड प्लूरल नाउन्स वी ऑलवेज यूज़ हैव। यानी प्लूरल के साथ हमेशा हैव आता है और सिंगुलर के साथ हैज़ आता है, और आई यू वी दे को हम प्लूरल मानते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें आपको ये रॉन्ग स्पेलिंग दे रखी है, आपको इसकी करेक्ट स्पेलिंग करनी है। क्विकली, क्विकली क्यू यू आई सी के एल वाई, ब्राइट बी आर आई जी एच टी, सनी में डबल एन आता है एस यू डबल एन वाई सनी, स्ट्रोंगर एस टी आर ओ एन जी ई आर स्ट्रोंगर, फ्रॉम एफ आर ओ डब्ल्यू एन फ्रॉम, ब्लोइंग बी एल ओ डब्ल्यू आई एन जी ब्लोइंग। आपको इसकी स्पेलिंग जो है वो करेक्ट करनी है। ये इतनी ही बुक एक्सरसाइज आपको करनी है, इसे आपको अपने बुक में करनी है। आई होप आप सबको समझ में आ गए होगा, है ना? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।